कितनी परछाइयों को बचा पाओगे अपने गदा की नोक से हनुमान, क्योंकि अब मैं संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणी को कर दूंगी छाया रहित। मैं तुम्हें इस संसार को समाप्त नहीं करने दूंगा। बाहर आओ और बताओ तुमने देवी छाया को कहां छुपाया हुआ है। कली महाराज के द्वार पर स्वयं धरती के रक्षक हनुमान। तो कलयुग के इस अधर्म में राहु और केतु भी सम्मिलित हैं। नहीं नहीं हनुमान जी, मैं तो भाग रहा था, वो तो इस राहु ने मुझे पकड़ लिया। लगता है बचपन की मार अब तक भूले नहीं हो केतु, उचित है। तो चलो, तो बताओ कलयुग ने देवी छाया को कहां छुपाया है। छाया? इसकी छाया? मेरी छाया? मैं तुम्हारी छाया की नहीं, सूर्यदेव की पत्नी देवी छाया की बात कर रहा हूँ। हनुमान जी, जब से आपने अपनी कथा से हमें समझाया है, हम समझ गए, तब से हमने ना तो सूर्यदेव को देखा है और ना ही सूर्य पत्नी की ओर। कलयुग कोई छल करे और तुम लोगों को ज्ञात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पर लगता है तुम दोनों मुझे ऐसे कुछ नहीं बताने वाले, तो ठीक है। नहीं, अब तुमसे मैं नहीं, मेरी ये गदा पूछेगी। आप बोलोगे या और सत्कार करूं तुम दोनों का? राम भक्त हनुमान, जिस विषय में उन्हें ज्ञात ही नहीं, भला तुम्हें कैसे बताएंगे। कलयुग, तुम देख ही चुके हो प्रभु श्री राम की भक्ति की शक्ति, और तुम ये भी जानते हो कि तुम समय से पूर्व इस संसार में नहीं आ सकते। तो बंद करो ये छल और बताओ कहां छुपाया है तुमने देवी छाया को। हनुमान, तुम्हारा अपने प्रभु श्री राम पर से विश्वास उठ गया है क्या, जो अपने संसार को बचाने के लिए मुझसे सहायता मांग रहे हो। कलयुग, तुम चाहे जितने षड्यंत्र रच लो, किंतु मैं विधि के विधान को खंडित नहीं होने दूंगा। मैं देवी छाया को अवश्य ढूंढ कर ही रहूंगा। तो शीघ्रता करो हनुमान, कहीं ऐसा ना हो तुम छाया को ढूंढते रह जाओ और सूर्य देव अपने ताप से इस पूरे संसार को जलाकर भस्म करते हैं। देखा हनुमान, सूर्य देव की कोमल किरणें कैसे अग्नि का रूप ले रही हैं। जाओ संकट मोचन हनुमान और बचाओ अपने संसार को। मुझे रोकने के बारे में बाद में सोचना। धन्य भाग हमारे जो हम सब पर हनुमान जी की कृपा, अन्यथा पहले छाया गई अब जीवन जाता। किंतु काका, जल की एक बूंद भला हमारी कब तक रक्षा कर पाएगी? हमें ना बड़ी चिंता हो रही है। मरी, ये केवल जल की एक बूंद नहीं है, ये हनुमान जी का रक्षा कवच है। Victor Mom.
माइका की ये कंपन कैसा? संकट मोचन जब हमारे साथ है तो संकट से क्या डरना हरिदास? माई काकी, हम ये नहीं कह रहे कि हमें हनुमान जी पर विश्वास नहीं, पर यदि ये रक्षा कवच टूट गया तो? यदि रक्षा कवच टूट गया ना मंजरी, तो भी हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। जय हनुमान। हनुमान जी आ गए। पवन पुत्र हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। हम जानते थे कि आपके रहते हुए हमें कुछ नहीं होगा, किंतु कुछ ज्ञात हुआ कि ये कैसा संकट है? हाँ माई काकी, कलयुग ने सूर्यदेव की पत्नी देवी छाया को भ्रमित कर दिया है और वही अपना अस्तित्व पाने के लिए सबकी प्रतिछाया को मिटा रही है। हनुमान जी, तो क्या इस संकट को समाप्त करने का कोई मार्ग नहीं? मार्ग तो है मनसुख, किंतु ये समझ नहीं आ रहा कि देवी छाया है कहाँ। इस संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहां प्रतिछाया को बांध कर रखा जा सकता है? हनुमान जी, आप ही कहते हैं ना कि हर समस्या का हल राम कथा में है, तो क्या राम कथा में इस समस्या का कोई समाधान नहीं होगा? हरिदास, बात तो तुम सत्य बोल रहे हो। प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र हर संकट का समाधान है, किंतु उनके जीवन में छाया प्रतिछाया से जुड़ी कोई घटना स्मरण आया। ये तब की बात है जब प्रभु श्री राम और माता सीता पंचवटी में वास कर रहे थे। प्रभु श्री राम ने स्वयं मुझे बताया था कि केवल एक वही कंदरा है जहां पर प्रतिछाया को शरीर से अलग किया जा सकता है। अवश्य देवी छाया उसी कंदरा में होंगी। जय श्री राम। छाया का संकट गहराया, कहां छुपी जाने कपिराया। महाबली जो बुद्धिमान है, श्री राम भक्त कपि हनुमान है। हनुमान, मोचन नाम तिहारो। आज संसार को संकट से बचाने के लिए उस छाया के पास आए हैं जिसका इस संसार में कोई अस्तित्व ही नहीं। देवी छाया, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई अधर्म हुआ है या कोई अन्याय हुआ है, तो मैं आपको न्याय दिलाऊंगा माता। विलंब कर दिया तुमने हनुमान, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए मैंने पहले ही कलयुग के हाथ थाम लिया है। देवी छाया, किंतु आपके इस अधिकार की लड़ाई में संसार का क्या दोष? आप पूरे संसार को संकट में क्यों डाल रही हैं? यदि आज संसार में संकट ना आया होता तो तुम यहाँ आते? यदि अपना अस्तित्व पाने के लिए मुझे पूरे संसार का अस्तित्व मिटाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी हनुमान। कैसी विडंबना है हनुमान, जिस धरती को मैं अपनी ऊर्जा से जीवन देता था, आज उसी धर्म और पुण्य भूमि को अपनी ही अग्नि से जलाकर भस्म करने वाला। अब ऐसा नहीं होगा, मैंने इस संकट का हल ढूंढ लिया है। जय हनुमान।
आप जो चाह रहे हैं उसके लिए आपको पूरे संसार को मिटाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप मुझे कहिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा उसे धर्म पूर्वक पाने में। माता, जो स्थान इस संसार में देवी लक्ष्मी का, पार्वती का और सरस्वती का है, मुझे भी वही स्थान चाहिए। बोलो, क्या तुम और तुम्हारा धर्म दिला पाएगा मुझे वो सम्मान? माता, सम्मान शक्ति से नहीं अपितु संसार का भला करने से मिलता है। मुझे समझाना व्यर्थ होगा हनुमान, क्योंकि जो मैं चाहती हूँ वो मुझे तब मिलेगा जब इस संसार में कलयुग का राज होगा। और कलयुग राज लाने के लिए यदि मुझे इस संसार को भी मिटाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। किंतु प्रभु, मैं ये भेद नहीं समझ पाया कि सूर्यदेव ने छाया पर क्रोध क्यों किया, जबकि छाया तो संज्ञा की प्रति छाया थी, उसका तो कोई दोष भी नहीं था। प्रभु, देव ऋषि, जब देवी संज्ञा सूर्यदेव का ताप सहन करने के लिए तपस्या करके लौटी तो छाया ने संज्ञा में विलीन होने से मना कर दिया। सूर्यदेव के बहुत समझाने पर भी जब छाया नहीं मानी तो सूर्यदेव ने छाया को सदा के लिए अंधकूप कंदरा में बंद कर दिया, जहां सूर्य का प्रकाश तक नहीं पहुंचता था। और अंधकूप में प्रतिशोध की अग्नि में जलते जलते संज्ञा के समान ही दिव्य दिखने वाली छाया मनुष्यों की परछाई की भांति कांति हीन हो गई। मैं समझ गया प्रभु, कि कलयुग ने उसे वहां से मुक्त कर दिया और अब उसकी प्रतिशोध की भावना का लाभ उठाना चाहता है। इसका अर्थ ये है कि अब ये समस्या हनुमान जी के काले हनुमान का रूप धारण करने के बाद ही समाप्त होगी। क्रोध में देवी छाया अपना विवेक खो चुकी है, अब उन्हें रोकने का केवल एक ही मार्ग है। मुझे देवी छाया और देवी संज्ञा को वैसे ही एक करना होगा जैसे अग्नि परीक्षा के समय प्रभु श्री राम ने माता सीता की प्रतिछाया को उनमें समाहित कर दिया था। अब सूर्यदेव के ताप से इस संसार को बचाने का एक यही मार्ग है। अब देवी छाया को पुनः बनना होगा देवी संज्ञा की प्रति छाया। कलयुग महाराज, छाया संसार पर संकट बनती है, पर इससे हनुमान को क्या हानि हो सकती है? जब संसार पर संकट पड़ता है तब लोग भगवान को ही तो पुकारते हैं, किंतु जब संकट ऐसा हो जो भगवान भी ना मिटा सके तो लोगों के मन में से भक्ति और आस्था मिट जाती है। कैसी विडंबना है हनुमान, जिस धरती को मैं अपनी ऊर्जा से जीवन देता था आज उसी धर्म और पुण्य भूमि को अपनी ही अग्नि से जलाकर भस्म करने वाला। नहीं गुरुदेव, अब ऐसा नहीं होगा, मैंने इस संकट का हल ढूंढ लिया है। गुरुदेव, नहीं हनुमान, इस संकट का कोई हल नहीं है। मैं छाया को जानता हूं और छाया अपने निर्णय से कभी पीछे नहीं हटेगी। गुरुदेव, देवी छाया तो हमारी बात नहीं मानेंगी, किंतु देवी संज्ञा तो मानेंगी। अर्थात? अर्थात ये गुरुदेव, देवी छाया देवी संज्ञा की ही प्रतिछाया है, तो यदि हम देवी छाया को देवी संज्ञा में पुनः समाहित कर दें तो उन्हें अपना अस्तित्व भी मिल जाएगा और हम उन्हें ये अधर्म करने से रोक भी सकते हैं। नहीं हनुमान, अब देवी छाया का देवी संज्ञा से मिलन कभी नहीं होगा। किंतु ऐसे क्यों गुरुदेव,
यदि देवी संज्ञा अपनी प्रति छाया को स्वयं से अलग कर सकती है तो वो अपनी छाया को पुनः स्वीकार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि देवी संज्ञा इस संसार में नहीं रही, उनका जीवन समाप्त हो चुका है। नहीं हनुमान, छाया को केवल संज्ञा ही रोक सकती थी। अब संज्ञा ही नहीं रही तो तुम कैसे रोकोगे इस महान अर्थ को? इस संकट को टालने के लिए मुझे केवल ये ज्ञात करना होगा कि देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा कहाँ है। किंतु गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? देवी संज्ञा तो दिव्य शक्ति है, उन्हें तो अमृतत्व प्राप्त है, फिर उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है गुरुदेव? इसका कारण भी मैं ही हूँ हनुमान। आप? किंतु कैसे गुरुदेव? हनुमान, देवी संज्ञा अपनी छाया को मेरे समीप छोड़कर तप करने गई ताकि वो मेरा ताप सहन कर सके, और अपने तप के पूर्ण होने पर मुझसे मिलने के पूर्व वो मानसरोवर में स्नान करने गई। कौतूहलवश मैं भी संज्ञा से मिलने के लिए मानसरोवर चला गया, लेकिन वहां राहु केतु को देखकर मुझे संदेह हुआ कि देवी संज्ञा ने फिर से मेरे साथ कोई छल किया है, और क्रोधवश बिना कुछ विचारे मैंने संज्ञा को अपनी अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। चलो चलो चलो, सब लोग सहायता करो बच्चों की ये कुटिया बनाने में। नंदीग्राम वासियों, तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्त कराने आ गए हैं राहु और केतु। इस सुरक्षा कवच को भेद कर भीतर कैसे आ गए? क्योंकि हम राहु केतु हैं, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं। ये सुरक्षा कवच तुम्हें सूर्य के ताप से तो बचा सकता है, किंतु हमारे प्रकोप से कैसे बचाएगा? बस तुम्हें उस हनुमान की भक्ति छोड़कर कलयुग महाराज पर विश्वास करना होगा और तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त। यदि तुम सबने हमारी बात नहीं मानी तो बात तो अब तुम हमारी मानो। हनुमान जी के आने से पहले तुम कहीं छिप जाओ, मार खाने से बच जाओगे। प्रधान जी, कि ये हनुमान सेना क्या कर सकती है? अच्छा, हनुमान सेना बंद गई। देखा तुम लोगों ने कि राहु की तू क्या कर सकते हैं? हम तुम सबका आयत करने नहीं आए हैं, तुम्हें समझाने आए हैं। राम राज्य बीता हुआ कल है, इसलिए अपने उस हनुमान की भक्ति छोड़ो और कलयुग महाराज की शरण में आ जा। जीवन तुम्हारा, निर्णय तुम्हारा। हनुमान, मेरी उस दिन की भूल का दंड अब सारे संसार को भुगतना होगा, जैसे उस दिन मैंने संज्ञा को भस्म कर दिया था। मुझे भय है कि उसी तरह मैं संसार को अपनी अग्नि से जलाकर भस्म न कर दूं। नहीं गुरुदेव, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा, इसे रोकने का अवश्य कोई ना कोई मार्ग होगा गुरुदेव। नहीं हनुमान, कोई मार्ग नहीं। छाया को केवल संज्ञा ही रोक सकती थी, अब संज्ञा ही नहीं रही तो तुम कैसे रोकोगे इस महानर्थ को? गुरुदेव, देवी संज्ञा का केवल स्थूल शरीर नष्ट हुआ है, किंतु उनकी दिव्य आत्मा तो अब भी जीवित है। गुरुदेव,
इस संकट को टालने के लिए मुझे केवल ये ज्ञात करना होगा कि देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा कहाँ है। गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। हे संकट मोचन हनुमान, इस संसार को नष्ट करने वाले इस अभिशाप से केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। महाविनाश को शीघ्र अति शीघ्र रोकना होगा। जय श्री राम। सभी पवित्र आत्माएं पितृ लोक में वास करती हैं। देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा भी अवश्य यही होगी। ये सभी पवित्र आत्माओं के रक्षक, सभी पितरों के आदिपति आर्यमा, दर्शन दे मुझे। संकट मोचन हनुमान, आज पितृलोक में आज्ञा कीजिए प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अरे मां, देवी छाया के कारण सारा संसार संकट में है। अब उन्हें केवल देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा ही रोक सकती है, इसलिए मैं देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा को लेने आया हूँ। क्षमा करें पवन पुत्र, किंतु देवी संज्ञा की दिव्य आत्मा अब पितृलोक में नहीं है। छाया, ये जो तुम कर रही हो वो उचित नहीं है। यदि तुम्हें प्रतिशोध चाहिए तो मुझसे लो, पृथ्वी का विनाश मत करो। मैं प्रभु श्री राम के संसार का कोई अहित नहीं होने दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे सूतल लोक जाकर देवी संज्ञा को ही क्यों ना लाना पड़े। सूर्यदेव, और कितना समय लगेगा इस पृथ्वी को नष्ट होने में? छाया, ये जो तुम कर रही हो वो उचित नहीं है। यदि तुम्हें प्रतिशोध चाहिए तो मुझसे लो, पृथ्वी का विनाश मत करो। मैं प्रभु श्री राम के संसार का कोई अहित नहीं होने दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे सूतल लोक जाकर देवी संज्ञा को ही क्यों ना लाना पड़े।